नमस्कार, इंडस न्यूज 24x7 के साथ मैं कृति सेवक। पेश है आज की खास खबरें। जकार्ता के इस्लामिक सेंटर की मस्जिद में लगी आग। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की सबसे बड़ी मस्जिद में भीषण आग लगने से मस्जिद का गुंबद गिर गया। जकार्ता मीडिया के अनुसार यह हादसा जामी मस्जिद में बुधवार को हुआ, जब मस्जिद में मरम्मत का काम चल रहा था। मुरैना की एक अवैध फैक्ट्री में लगी आग, कुछ लोग हुए हादसे का शिकार। मध्य प्रदेश के मुरैना की एक अवैध फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोग हादसे का शिकार हुए हैं। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई और करीब 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एटा की मिट्टी की ढांग गिरने से 3 बच्चों की मौत। एटा में नया गाँव क्षेत्र के फकीरपुरा गाँव में मिट्टी की ढांग गिरने से वहां खेल रहे 3 बच्चों की मौत हो गई, जिससे गांव में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर एटा के ASP घटनास्थल पर पहुंचे। हॉस्टल में छात्रों के जबरदस्ती बाल काटने के बाद उन्हें डंडे से पीटा। उत्तराखंड के चंपावत में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में हॉस्टल के वार्डन ने वहां के छात्रों के जबरदस्ती बाल काट दिए और उनकी बुरी तरह पिटाई भी की। इस मामले की शिकायत छात्रों ने पुलिस से की और विद्यालय के प्रिंसिपल ने वार्डन को निलंबित कर दिया है। जहरीली केमिकल वाली शराब पीने से 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। मीरगंज के मोहल्ला मालीपुरा में जहरीली शराब पीने से 3 युवकों की हालत गंभीर हो गई। पुलिस की मदद से उन्हें CHC ले जाया गया। रामेंद्र को राजश्री रेफर किया गया और उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। वेदराम और भूप किशोर को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। भारतीय सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, कई जवान घायल। पीलीभीत में भारतीय सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें कई जवान घायल हुए हैं। चंपावत से जवानों को लेकर लखनऊ जा रही थी बस, उसमें 1 दर्जन से अधिक जवान सवार थे। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबरों को आप YouTube या डेली मोशन पर सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। आप हमें Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।